हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। साल अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और एक हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक ऐसा हादसा जिसे या तो हम इंसान की वहशियत कह सकते हैं या फिर उसकी अपनी कुंठा या किसी हैवान की साजिश जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 बच्चों को बंधक बनाकर उनकी जान को खतरे में डाला। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इन बच्चों का काल बनी? तुम्हारे पापा खून किए हैं, खून है वो, अब जाओ यहाँ से। अरे गुटिया, अरे गिनालिया, रोते नहीं, रोते नहीं। काहे गुटी को परेशान करते रहते हो तुम लोग? क्योंकि इसके पापा गंदे हैं। ऐसा नहीं कहते, किसी के माँ बाप गंदे नहीं होते। आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने एक शांतिपूर्ण गांव का पूरा माहौल ही बदल दिया? का हुआ गुड्डी, काहे रो रही हो? हैं? कोई हमें नहीं खिलाता। काहे? सब कहते तुम्हारे बाबा खूनी है। कमीने साले, अभी अंडे से निकले नहीं और चोंच मार रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अरे सुन नहीं रही क्या कह रहे हैं सब लोग? हाँ तो जिसको जो बोलना है बोल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आपको कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं। अरे इतनी मुश्किल से जेल से बाहर आए, अपना बारे में नहीं कम से कम हमारे बारे में तो सोचिए। जब सर पर खून सवार हो तो फिर इंसान किसकी सुनता है, और फिर ये तो एक हैवान की कहानी थी। हमारे माथे पे सी लिखा है का? का समझते हो लोग? बीन बजाएंगे हम, हर हरा है साथ बनकर लहराएंगे, काला नाग हम फटाक से काट लेंगे। देखो राधे, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसको ठंडा रखो। बचपन के दोस्त हमारे इसलिए समझा रहे हैं कि अफसर लोग के सामने जो तुम बार बार ये सींग निकाल के खड़े हो जाते हो ना, ये सही नहीं है। हमको सरकारी आवास और इस घर में शौचालय चाहिए तो चाहिए। अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी ना होगा, खून का सजा काट रहे हो तुम, कैसे मानेंगे तुम्हारी बात? वो मानेंगे, वो तो क्या उनके बाप भी मानेंगे। तुमसे ना हम कोई बात कर ही नहीं सकते। अभी समझाइए इसको, चलते हैं हम। अरे उठा ना, उठा, काहे नहीं उठा रहे? उठा फोन, उठा। अरे हमने कहा बिगाड़ा है तुम लोगों का, काहे हमें छोड़ रखा है? अरे अम्मा काहे मरी जा रही हो, चुपचाप बैठी रहो ना। अरे पर बेटा, अरे 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 हमारी बिटिया रानी डर गई। ओ हम कान पकड़ के माफी मांगते हैं, ये लो। ऐसा है, तुम्हारे पापा सब ठीक कर देंगे। यहाँ के बच्चे हमारी वजह से तुम्हारे साथ नहीं खेलते ना, हम कह रहे हैं ना सब ठीक कर देंगे। दो और घर बुला लो। घर बुला लो का है ना, आज हमारी गुड्डी रानी का जन्मदिन है। हमारा जन्मदिन? हाँ तुम्हारा जन्मदिन। जाओ टॉफी सबको दो और घर बुला लो, फिर ये केक काटेंगे। जन्मदिन है, ये लो चॉकलेट। क्या हुआ गुड्डी? दीदी आज हमारा जन्मदिन है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दीदी, ये लो चॉकलेट। क्या हुआ, यहाँ काहे खड़े हो? कुछ नहीं, गुड्डी को बच्चों को घर बुलाने के लिए कहा है। काहे? हम चाह रहे हैं गुड्डी की सबके साथ दोस्ती हो जाए, इसलिए गुड्डी का जन्मदिन मना रहे हैं। गुड्डी का जन्मदिन?
हमारा जन्मदिन मनाने हमारे घर चलोगे? बाबा केक लाए हैं, केक खाएंगे, मजा आएगा। हाँ हाँ, गुड्डी का जन्मदिन मनाएंगे, केक खाएंगे। अरे चलो 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 चलो, और क्या छोटा बाबू आ जाने दे, चलो चलो चलो, अब हम मस्ती करेंगे। कराना लगा दे। अरे अरे सपना, जाओ थाली में लगा के लाओ केक, जा जा, हम गाना चलाते हैं। ये लो, चलो डांस करते हैं। बहुत शोर शराबा हो रहा है ना बेटा बाहर। ये केक, ये क्या कर रहे? खिड़की काहे के लिए बंद कर रहे हैं? अरे शोर शराबा हो रहा है ना। अरे शोर शराबा तो ठीक है, लेकिन ताला काहे के लिए लगा है? चुप करो, बहुत मचाए ना ये गांव वाले हमको अपनी टपली पे। अब हम डमरू बजाएंगे और ये गांव वाले नाचेंगे बंदर के जैसा। मतलब? मतलब ये कि हमारा अच्छा समय शुरू और गांव वालों का बुरा काल। देख लगा खो, कुछ नहीं मिलेगा इन सफलों को। ये क्या कर रहे हैं? तुमरे का बाप का शादी है, बारात सजा है, जो ठुमका लगा रहे हो है? ठुमका? चाचा हम जा रहे हैं। ए? अरे क्या कर रहे हो? देख रही हो, जानते हो ना क्या है? परिया खोल देंगे तुम्हारी, न कोई बाहर जाएगा न बाहर से कोई अंदर आएगा। ये क्या कर रहे हो? मैं आपको ये सब कुछ नहीं करने दूंगी, समझे ना? बच्चों को जाने दो, चलो बच्चों घर चलो। नहीं नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, तो लो खुद को मार लेते, मार ले गोली खुद को। वैसे भी साला कुत्ते जैसा जिंदगी हो गया हमारा, कोई भी काम बनाता हमारी पूछ में पैर रखता कि क्या के रह जाते हैं। ना इज्जत रही है, ना औकात रही है, सब छीन लिया गांव वालों ने हमारा, नहीं छोड़ेंगे इनको, ये सब हमारे बंधक है। अरे भावना, बच्चे कहाँ हैं? अभी तो यही खेल रहे थे। अरे वो गुड्डी आई थी, बच्चों को अपने घर ले गई, छोटू को भी ले गई। कहे? अरे वो कह रही थी कि आज उसका जन्मदिन है, बहुत प्यार से आई थी चॉकलेट लेके बुलाने के लिए, तो हमने भी जाने दिया। जन्मदिन है? लेकिन गुड्डी का जन्मदिन तो अभी 6 महीने पहले ही मनाया था सपना ने। क्या? तुम सबका बच्चा हमारे पास कैद है, जो बच्चा चाहिए तो हमारा बात मानना पड़ेगा। बहुत घाव दिए तुम सब लोगों ने हमको, हम पर झूठा खून का केस बनाया, अब देखो कैसे मिर्ची लगाते हैं तुम सबको। हम राधे, हमारे रिंकी को कुछ मत करना, कुछ मत करना रिंकी, रिंकी रिंकी दरवाजा खोलो। माँ माँ, अच्छा भैया आ रहे हैं भाई, एक मिनट। अतुल भैया, वो हमने साथ चलिए। क्या हुआ, इतना घबराए हुए का है? वो राधे बच्चा सबको बंधक बना लिया है। राधे? अब पुलिस को बुलाए लेकिन नहीं मानेगा, गोली प्लीज हम चला रहे हैं, चलिए चलिए हम चलते हैं। काहे रे हैं ये खिलौना लेके काहे सबको डराए हुए हो? बहुत फिल्म फिल्म देख लिए हो का? ए जाओ तुम यहाँ से, तुमसे बात नहीं करनी है, बड़े साहब को बुलाओ। अरे सला, तू प्रधानमंत्री है का रे कि बड़का साहब तुम्हारा हाजिरी बजाएंगे? दिमाग सरगा ना तो मुंह पे ना मारेंगे गोली। हमें मारोगे? हमें? साला मानोगे नहीं तुम। हम बात करते हैं उससे। तू कौन भैया? हमारा दोस्त है वो, समझा उसको। बच्चा सबको अंदर बंद करके कहाँ रखे हुए हैं? छोड़िए उस सबको। ए अतुल रुक जाओ वहीं, ये तो गोली मार देंगे। हाँ अब तो यही देखना रह गया ना कि तुम हमारे ऊपर गोली चलाओ। एक हाथ मारेंगे ना कान के नीचे तो सारा अकल ठिकाने आ जाएगा, समझे? बंदूक बंदूक फेंकिए, चलिए नीचे उतरिए, दरवाजा खोलिए, चलिए भाभी 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 दरवाजा खोलिए। हम कह रहे हैं हम गोली मार देंगे। अबे,
ये कुछ नहीं करेगा भाभी। अरे हटो, तुम्हारे गिरधर बापकी से नहीं डरते हम। चुपचाप तुम नीचे उतरो। भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी ए अतुल, भाभी अरे भागो रे। समझा रहे थे, नहीं समझ में आ रही थी। पीछे लाओ, पीछे लाओ। चलो इसको पीछे लाओ, पीछे लाओ जल्दी। चल 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 चल। ए रुक 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 रुक, एक काम कर, इसको हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचा। यस सर। तो सचमुच में बहुत काली मचा दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने अतुल भैया को गोली मार दी है। अरे तो क्या करे, समझाए थे उसको। अरे जब किसी के माथे पे खून सवार हो ना, तो काली बिल्ली बनकर रास्ता नहीं काटना चाहिए। काहे नहीं समझ रहे हो तुम? अपनी चिता के लिए अग्नि तैयार कर रहे हो, अपने लिए भी और गुंडी के लिए भी। ये जीवन भी कोई जीवन है? कोई भी आता मुंह पे थूक के चला जाता है। सर पर कफन बांध लिए हैं हम, अब या तो आर या पार। सर क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने सुना है यहाँ पे किसी ने बच्चों को बंधक बना रखा है। कितने बच्चे हैं अंदर? अब कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर बच्चों को बंधक क्यों बना के रखा है? अरे हमको नहीं मालूम, जब बात करने जाते हैं तो गोली चलाने लगता है। तो देखिए मैडम, अभी थोड़ा देर में बात करते हैं, अभी टेंशन है बहुत। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मेरे पीछे वो मकान है जहाँ पे एक आदमी ने गांव के कुछ बच्चों को बंधक बना के रखा हुआ है। ए गुप्ता इधर आ। जी साहब। देखो तो आसपास के गांव में कोई बढ़िया शिकारी है क्या? बुलवाओ तो उसको, जरा व्यवस्था करते हैं इसका। जी सर। ठीक है। अरे आप लोग पीछे हटिए, गोली चल रहा है। और पीछे हटिए। बिट्टू कुछ नहीं होगा, रोते नहीं, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा बिट्टू। पुलिस वाले आ गए हैं, बड़े साहब भी आ ही जाएंगे। राधे के नापाक मंसूबों को खबर बनते देर नहीं लगी। मामला बहुत ही गंभीर था, मासूम बच्चों की जान दांव पर थी, जरा सी भूल और सब कुछ खत्म। मामले की संजीदगी को देखते हुए वहां पर एटीएस की टीम को तुरंत भेजा गया। अरे तो सर इस सिचुएशन में आप क्या कंट्रोल करेंगे? सर बच्चों को बचा पाएंगे? सर जवाब दीजिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद सर। यही है घर, एक घर है तो यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा? यहाँ दशहरे का मेला चल रहा है क्या? और पीछे हटाओ सबको, पीछे हटिए, पीछे पीछे हटिए, पीछे 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 हटिए सब लोग, उधर से करो चलो। एक आदमी अंदर से गोली चला रहा है और आप लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं? ऐसी बातें कर रहे हैं सर, हम लोग भी तो अपना काम कर रहे हैं ना, सिचुएशन कंट्रोल करने में टाइम तो लगता ही है ना सर। और सर हम लोग अपराधी को देखें कि क्राउड कंट्रोल करें। इसका नाम क्या है? राधे सिंह। क्यों कर रहा है ऐसा? अरे ज्यादा फिल्म देख लिया होगा, पगला गया है साला। घर में कौन कौन है? उसकी पत्नी सपना और बेटी गुड्डी। और कितने लोगों को बंधक बना के रखा? सर ज्यादा मालूम नहीं, 12-15 बच्चे के आसपास होगा। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ सर, मर्डर के आरोप में जेल में था, अभी 4 महीने बेल पे छूटा है, लेकिन खुजली गई नहीं, चोरी किया हमने, डाल दिया लॉकअप में। हम कुछ नहीं किए, हर चीज को जोक समझ लिए हो क्या? अरे कानून अपना काम करेगा कि यहाँ हर लोग अपनी मर्जी से फैंटम बनकर घूमेगा। अरेस्ट करे क्या तुम लोगों को? पकड़ो सालों को, जबरदस्ती फंसा रहे हैं हमको। हाँ मन बाप, बस आप ऑर्डर कीजिए, आपका ऑर्डर बजाने के लिए तो हम पुलिस फोर्स ज्वाइन किए हैं। अरे अरेस्ट करो इसको, ले चलो। हम कुछ नहीं किए साहब। साला तुम्हारा यही प्रॉब्लम है कि तुम कुछ नहीं करते, मर्डर अपने आप हो जाता है, चोरी अपने आप हो जाता है। अब तुम ठहरे सज्जन आदमी कि बाकी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है ना? ले चलो। तो इसने चोरी की थी? क्या ही होगा सर, मर्डर भी तो किया है। लेकिन सर आप चिंता मत करिए, हम दूसरे गांव से शिकारी बुलवाएं। शिकारी? हाँ सर, हम गांव वाले उसे शार्प शूटर कहते हैं। सर जैसे ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगा ना, एकदम फिक्स निशाना मारेगा यहाँ, एकदम कनपट्टी पर। सर किसी शिकारी विकारी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे, समझे आप? साहब हमारा 6 महीने का बच्चा है साहब, अंदर उसे बचा लीजिए साहब, वो बहुत छोटा है साहब, रो रहा है साहब, उसे बचा लीजिए। अनुज अपने आदमियों से कहो पोजीशंस ले। सर राधे मैं दिल्ली से आया हूँ, देखो तुम बच्चों को छोड़ दो, फिर हम आराम से बैठ के बात करते हैं। सलत साहब हमें बेवकूफ काहे समझते हैं? कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं समझ रहा है, और तुम्हारी तो खुद की बच्ची है ना गुड्डी, तुमने बच्चों को बंधक बना के क्यों रखा है?
देखो उन्हें छोड़ दो, फिर हम आराम से बैठ के बात करते हैं। क्यों? जैसा आप चाहेंगे वैसा हमें नचाएंगे, गोली मार देंगे सबको और खुद भी मर जाएंगे। ठीक है ठीक है, हम बात तो कर सकते हैं ना, बोलो क्या चाहते हो तुम? सजा, सजा देना चाहते हैं हम। कैसी सजा, किसे देना चाहते हो? जिसने हमारी पत्नी के साथ बलात्कार किया है उन्हें। 10 दिन के बाद मिल गई फुर्सत हमारे पास आने के लिए। साला हम मर्डर केस में अंदर क्या आए, तुम्हें तो आजादी मिल गई। अच्छा, तुमको लग रहा है कि हमको आजादी मिल गई? अरे अपनी जिंदगी नरक हो गई है नरक। तुम तो यहाँ जेल में आराम से बैठे हो, लेकिन बोलो वो लोग अपने साथ रोज बलात्कार कर रहे हैं। व्हाट? किसने बलात्कार किया तुम्हारी पत्नी के साथ? बता बता इनको, बड़े साहब आए। अरे बताती काहे नहीं है, बता इनको, बड़े साहब है, बड़े साहब। साहब, इनका जेल जाने के बाद हमारे साथ रोज बलात्कार हुआ है। हमको अपने ही घर में, हमारे ही बेटे के सामने अपने कपड़े, जब भी आते थे हमको नोच कर जाते थे। बोला हमको धमकी दिया कि अगर हम ये बात किसी को भी कहे ना तो अपनी गुड्डी के साथ भी। किसने किया आपके साथ बलात्कार? उस सुनील और माधव ने। उन दोनों को जब सजा मिलेगा तभी बच्चा लोग को छोड़ेंगे हम। राधे राधे, एक मिनट। नहीं रोते, तुम रो कर रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इस सारा दुनिया ही ऐसी है। गरीब को दबा के रखती है ऐसा अंगूठा के नीचे। इस साला सब जो पाप किए हैं ना, सबको आज सजा देंगे हम। बच्चा जी का जंजाल बना दिया। चुप कर इसको। क्या कह रहा है? क्या कहेगा साहब, मुझे बोल रहा है ना, एकदम झूठ है। ये माधव और सुनील जो भी हैं उन्हें बुला के लाइए। सर हम कह रहे हैं ना, उन्होंने कुछ नहीं किया है। आपसे जितना कहा गया है उतना कीजिए, बुला के लाइए, जाइए। ठीक है सर। अनुज अपने आदमी को पोजीशन दो और पता लगाओ इस घर में घुसने का कोई और रास्ता है क्या, कोई बैक डोर या और कुछ। किसी तरह से ये पता लगाना होगा कि अंदर क्या चल रहा है। तो रुको। अरे हमारा बच्चा अंदर आ गया। और तुम लोग यूं ही मुंह देखते रहना, तमाशा देखते रहना। अरे हमारी बिटिया हमरे इसके अंदर है, अबे निकल सारे बाहर और हमारी बिटिया को हमरे हवाला कर। अबे निकलता है, अबे पत्थर मारेगा साला, हम मारे गोली। राधे श्याम मैं समझा रहा हूँ, कोई पत्थर नहीं मारेगा। पिछड़िए पिछड़िए आप लोग। अरे कैसे पिछड़े, हम सभी लोगों के बच्चे अंदर है। अबे निकाल, अरे उसके अंदर है। रुको पिछड़िए पिछड़िए। अरे सुना, निकाल अबे निकाल। ये बम मारेंगे ना तो समझ में आएगा इनको। अरे काम कर कर रहे हो? हम बताते हैं साला, ये लो भागो रे। अरे छुप जाओ रे, छुप जाओ सब। ये साला बम फेंक रहा है, विद्रोही है विद्रोही। आपको कैसे पता कि वो विद्रोही है? अरे देख नहीं रहे हैं सर, बम फेंक रहा है तो विद्रोही ही हुआ ना। अनुज अनुज इस राधे की कोऑर्डिनेट से पता करो, इसका किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन तो नहीं है। और दोनों मुंगवा बॉम्ब स्क्वाड भी, जल्दी सर। हेलो जैन सर। सर सिचुएशन यहाँ काफी टेंस्ड है। ये जो आदमी है जिसने बच्चों को बंधक बना के रखा है राधे, इसके पास बॉम्ब भी है। क्या बॉम्ब? पता करो वो चाहता क्या है। हाँ सर हम बात तो कर रहे हैं। ठीक है मैं सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैन सर आप में से कोई राधे के घर का नक्शा बनवा सकता है? हाँ साहब, हम उसके घर पे बहुत बार गए हैं, हम उसके घर के बारे में आपको सब बता सकते हैं। नो।
दीदी हमें प्यास लगी है। दीदी मुझे भी बहुत प्यास लगी है। हाँ दीदी मुझे भी लगी। राधे चाचा सबको प्यास लगी है। एक ही गोली में सबका भूख प्यास मिट जाएगा है? चुपचाप बैठा इधर। अरे चाहते कहा हो, पानी ही तो मांग रहे हैं ना, छोड़ने के लिए तो नहीं कह रहे। रिंकी जा बेटा जाके पानी लेकर आ सबके लिए। ये जो दरवाजा है ना, हाँ यहाँ से अंदर घुसेंगे तो ये एक ठो बड़ा का कमरा है, ये सामने वाला। हाँ जो ये खिड़की दोनों ना यही कमरा का है, और उसके बगल में ये दो छोटा छोटा कमरा है, और यहाँ से जाएंगे ना तो सीढ़ी है ऊपर जाने का, इच्छा जा पर पहुँचने का, और इस सीढ़ी के बगल से ना एक और दरवाजा है जो एक गली में निकलता है, और यहाँ पर रसोई है साहब। क्या हुआ मुटी? बाहर आओ। मत क्या हुआ? सॉरी माफ कर दो दीदी, सारे बच्चे हमसे चिढ़ते थे तो पापा ने सबको पकड़ लिया। नहीं गए थे ना सबको जन्मदिन पर बुलाने के लिए, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। रोते नहीं, तुम कुछ नहीं कियो। आपको डर नहीं लग रहा? गई थी, तुमको मिर्चा लाने भेजे थे ना? वो ये दुकान में नहीं मिला ना तो आगे चले गए थे, तो वापस चलाती। अरे माँ हम बच्चा थोड़ी ना है कि बूढ़ा बाबा कर लेकर चला जाएगा। बहुत बोलने लगी हो, ज्यादा मत बोलो। ठीक है ना माँ, सॉरी। साहब हम लोग के बच्चा लोग को तो कुछ नहीं होगा ना साहब? देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए, यहाँ भीड़ भाड़ थोड़ी कम कीजिए। ये भीड़ भाड़ नहीं है साहब, ये बच्चा लोग के माँ बाप है। हम लोग के बच्चा लोग का जान अधर में लटका है, अगर हम लोग के बच्चे को कुछ हो गया ना तो हम लोग भी अपना जान दे देंगे। सब हमारे बच्चे लोग राधे की पत्नी कह रही है कि तुम दोनों ने उसके साथ रेप किया था। हमें सब कुछ नहीं किया साहब, आप हमारा पत्नी से पूछ लीजिए, हम 5 साल से उसको नहीं छुए साहब। हमारा प्रॉब्लम चल रहा है साहब, आप चाहे तो हमें नपुंसक कह लीजिए, पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए साहब हम पर। तो फिर सपना ऐसा क्यों बोल रही है? अरे वो बकवास कर रही है साहब, कुछ नहीं किए हैं साहब। एक पत्नी राधे ने पढ़ाई उसको साहब, हमें उसको जेल भेजे थे, उसने अपने मौसा का खून किया था साहब। मौसा का खून? हाँ साहब, राधे अपना घर गिरवी रख के मौसा से पैसा लिया था, और जब वापस करने का टाइम आया तो मुकर गया वो। हाँ साहब, जब मौसा ने पैसा मांगा तो उसका खून कर दिया साहब, हमारे बयान पर अंदर गया था, जब बाहर आया तो हमें धमकी दी। साला तुम लोग हमारी महरारू का रेप किया, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। महरारू का झूठा इल्जाम लगाता है रेप करने का, खुद चला खून करता है, हम पे इल्जाम लगाता है। एक नंबर का झूठा है साहब। राधे ने अपने मौसा का खून तुम्हारे सामने किया था? अरे साहब अब आप यहाँ कोर्ट कचहरी का है जमा रहे हैं, हम तो बस इतना कहेंगे कि हम कोनो रेप वेप नहीं किए हैं। देखो अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन इस समय तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। हम कुछ समझे नहीं साहब। मैं तुम दोनों को अरेस्ट कर रहा हूँ। अरेस्ट? अरे ऐसा कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप? अब कुछ भी बोलेगा और आप सबको अंदर कर देंगे का? मैं सिर्फ राधे को दिखाने के लिए अरेस्ट कर रहा हूँ। अरे पर सर हमारा नाम तो खराब होगा ना। पांडे जी आप हमें हमारा काम करने देंगे? ठीक है तो करिए। तुम दोनों ए सुनो इधर आओ। साहब अरे यार कुछ चाय नाश्ता का इंतजाम करो, इनके चक्कर में लंच भी नहीं किए हैं, संभाल ले तो ये लोग तो क्या संभाल ही रहे ना। तो कुछ लिट्टी चोखा टाइप का इंतजाम हो सकता है का? बिल्कुल तो करो, खड़े का है वो? हटिया हटिया पीछे हटिया। अरे अब देख रहे हैं खतरनाक टाइम है भाई आप लोग, हटिया। राधे हमने माधव और सुनील को अरेस्ट कर लिया है।
माधव और सुनील हमारी हिरासत में, अब तो तुम बच्चों को छोड़ दो। देखो अगर इन दोनों ने कुछ भी गलत किया है तो इन्हें सजा भी जरूर मिलेगी। इन कुत्तों को सजा हम देंगे, अपने हाथ से गोली मारेंगे इनको। सामने लाओ इन्हें, उठाओ उठाओ इन्हें। चौबे जी चले, छब्बे जी बनने, दूबे जी बनकर वापस आ गए। जाइए, ले जाइए दोनों को राधे के सामने, मारने दीजिए गोली। साहब साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दो साहब। कुछ नहीं होगा, चुप रहो। राधे इन्हें मारकर तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, और जरा सोचो तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवी और बच्ची का क्या होगा। अरे उनका तो वैसे भी कुछ नहीं होगा साहब, हम तो बेल पे छुटके आए हैं, हमें तो पकड़ के अंदर कर ही देंगे ना, बस इन्हें गोली मारनी है हमें। राधे राधे बच्चा बहुत रो रहा है, अपनी माँ के बिना चुप नहीं होगा, कम से कम इसे तो छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे इन्हें, चुप करो इसे, देख रही हो ना बात कर रहे हैं आप, चुप चुप करो इसे, अरे चुप चुप करो इसे, चुप करो इसे। सच में बच्चे को मार दिया, वो बच्चे को अब उठाएगा कौन? साला सन की फिर गोली चलाए तो? अरे गोली बोली छोड़ो, कहीं बच्चे के साथ बम प्लांट कर दिया होगा तो? अंदर चलो, अंदर चलो, अरे मेरा बच्चा, अंदर चलो, मेरा बच्चा, अरे बढ़िया, मेरा बच्चा, रुकिए 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 रुकिए, अब आगे नहीं जाएंगे, अब पीछे रहिए पीछे रहिए, आप आगे नहीं जा सकते, प्लीज सर मेरा बच्चा, प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, बच्चा मिल जाएगा आपको, आप पीछे जाइए पीछे जाइए, आप लोग पीछे पीछे पीछे। काहे बच्चा छोड़ने को बोली तुम, मरता तो मर जाता। काहे को बच्चा भूखा था, रो रो कर मर जाता, छोटा बच्चा इतना सह नहीं सकता। रिंकी जा सबके लिए खाना लेकर आ। ए, कोई खाना नहीं खाएगा, सब गोली खाएंगे। जो जी में आए कर लेना, लेकिन उसके पहले बच्चे को कम से कम खाना तो दो। सर हाँ रुझ समझ में आया, कितने बच्चे हैं? नहीं सर, लेकिन राधे और सपना के बीच झगड़ा हो रहा है। सपना चाहती थी राधे बच्चों को खाना खिला रहे, मुझे नहीं लगता सपना राधे की इस किडनैपिंग वाले मुंह से खुश है। अगर हम सपना को समझा पाए ना तो राधे को समझाना आसान होगा। आदेश देख के आए हो भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं? नहीं सर, भूख लगी थी, दिन भर से कुछ खाए नहीं है ना, तो उन्हें जुर्म कर दिए क्या सर? राधे के सर पर खून सवार था, पुलिस की जरा सी चूक बच्चों के लिए कहर बन सकती थी, उन्हें अपना हर कदम भूक भूक कर रखना था। ऐसे में पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि सपना इस सब में अपनी मर्जी से शामिल नहीं थी। पुलिस को एक कमजोर कड़ी की तलाश थी और वो सपना को अपनी वो कमजोर कड़ी समझ रहे थे। सपना सपना उन बच्चों पे तरस खाओ, तुम तो खुद एक माँ हो ना, अच्छी तरह से समझ सकती हो कि बाहर खड़ी इन माओं के दिलों पर क्या गुजर रही होगी।
सपना उन बच्चों में से किसी एक को भी अगर कुछ हो गया तो तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगी। अरे हमसे बात करो ना, हमारी महरारी को काहे घसीट रहे हो? सपना इस राधे को समझाओ। बम मार देंगे हम, बम है हमारे पास। सपना उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। सलाम मानेंगे नहीं, बम मार दें हम, मार रहे हैं बम सलाम। अनुज द्रोण का क्या हुआ? सर अंधी रे ये इतने सारे स्टोव और प्रेशर कुकर्स क्यों हैं? थोड़ा और राइट जा, ज़ूम करो, कहीं प्रेशर कुकर में बॉम्ब्स तो नहीं है? इसने तो बहुत सा असला इकट्ठा कर रखा है। सर शाम होने वाली, हमें जल्दी कुछ करना होगा। बच्चे परेशान हो जाएंगे, उससे राधे इरिटेट हो जाएगी, फिर पता नहीं वो क्या करते। राधे राधे उन बच्चों को छोड़ दो। देखो हम बैठ के बात करेंगे, तुम्हारी जो भी मांगे होंगी सब पूरी करेंगे। अगर तुम्हारी बात सही है तो ये बात तो पक्का है कि गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उन्होंने तुम्हें खून के इल्जाम में फंसाया है, मैं समझता हूँ। राधे तुम्हारी पत्नी का बलात्कार हुआ है, किसी भी आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देगा, मैं समझता हूँ। लेकिन देखो उसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है ना, तुम बच्चों को छोड़ दो, हम आराम से बैठ के बात करेंगे। राधे ठीक है बेटा, हाँ ठीक हो? मेरा राहुल आ रहा है, मेरा राहुल, मेरा भतीजा राहुल। ये क्या है? राधे सरकारी आवास का फाइल है, 3 महीना से चक्कर लगा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें हमारी माँ के लिए शौचालय चाहिए, घर में चल नहीं सकती हमारी माँ। इसकी माँ भी अंदर है क्या? बता दो साहब। नहीं साहब, राधे की माँ उसके साथ नहीं रहती, वो उधर आगे दूसरा मकान में रहती है। अनुज तुम राधे की माँ को लेके आओ, हो सकता है वो इसे समझा सके, तुम साथ जाओ। कैसी माँ गई है? इसके पास अपना घर नहीं है क्या? सर इसी का घर है। तो फिर इसे सरकारी आवास कहाँ से मिलेगा? राधे हमें तुम्हारी सारी मांगे मंजूर हैं, तुम्हें सरकारी आवास भी मिलेगा और घर के अंदर शौचालय भी, बस। और भी मांगे हैं हमारी, हमें हर बच्चे के बदले 1-1 लाख रुपया चाहिए, 10 बच्चा है हमारे पास, 2 बच्चा हम छोड़ दिया उनका भी पैसा चाहिए, और जो हम पे केस लगा है वो हटाना पड़ेगा। और मानिए इसकी बात, आप राधे की माँ है ना, आपको हमारे साथ चलना होगा। हमें नहीं जाना किसी के पास, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमें निकाल दिया है, तब से भी घुटनों में दर्द हुआ, हमने समाचार में देखा, उसे टॉयलेट चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके बैठे हैं, मर गया वो हमारे लिए आज से। सर राधे की माँ ने आने से इनकार कर दिया। सर शिकारी। नमस्ते सर। वो शार्प शूटर सर। ए तू एक काम कर, वो छत पे जा, हम उसको किसी बहाने बुलाते हैं और सीधा एम करके यहाँ मारना, ठीक है? ठीक बा। ठीक। ए रुको, क्या कर रहे हैं आप? सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसे कंट्रोल करते हैं, ये ट्रेनिंग है आपकी? तो सब हम रुके या जाए? जाइए जाइए अभी। ए शिकारी शिकारी। हाँ कहाँ जा रहा? ये रुक, इन लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी ही, और एकदम एम लगाना यहाँ पे, लगे यहाँ निकले यहाँ से, ठीक है? ठीक है। तू उधर जाकर बैठ। ठीक है चल। सर का फोन। जैन सर अभी क्या सिचुएशन वहाँ की? सर सिचुएशन तो वैसी ही है, राधे ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी हैं। हाँ
न्यूज पर देखा हमने, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए हमें? सर ऐसे तो किसी की मांगे पूरी नहीं कर सकते ना, वरना कल कोई किसी को भी हॉस्टेज बना के अपनी मांगे पूरी करवाने की कोशिश करेगा। सही कह रहे हो, लेकिन जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। जी सर, जय हिंद सर। राधे, राधे, तुम्हारी बकबक सुन के परेशान हो गए हम, बहुत हो गया, सबको मार रहे हैं हम। राधे, मेरी मिनिस्टर साहब से बात हुई है, सरकार ने तुम्हारी सारी मांगे मान ली, अब तुम बच्चों को रिहा कर दो। भरोसा नहीं हमको तुम पे, पहले हमारा काम करके दो तब मानेंगे। राधे, इन सब कामों में टाइम लगेगा। अरे तो बहुत टाइम है हमारे पास, जब तक हमारा काम नहीं बन जाता ये सब बच्चा हमारे पास है, हमारा सरकारी आवास, घर में शौचालय और हर बच्चे के ऊपर 1,00,000 रुपया और हमारा केस हटवाओ तब मानेंगे हम। जाओ, जितना टाइम लेना ले लो। दिमाग खराब हो गया इसका। जी, हमें चिच्ची आई है। दीदी हमें भी आई है चिच्ची। हमें भी आई है। ए, चुप कर, नहीं कर, ज्यादा ट्रैक्टर किया ना, ऊपर जाकर कुकर बम फोड़ दूंगा। चाचा हमें भी जाना, इसको जो जो करना है यही करो। लेकिन हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? कोई किसी के सामने कुछ नहीं करेगा, चलो हमारे साथ। चलो जाओ अंदर। चाची ये बटन नहीं खुल रहा है, तो आप एक बार देखिए ना। आओ हम देखते हैं। चाची मुझे जोर से सुस्ती लग गई थी ना, तो मैं ऊपर चली गई थी। चलो सर, राधे की कॉल डिटेल चेक किए, वो किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड नहीं लग रहा, लेकिन उसके आईपी एड्रेस के ऑनलाइन हिस्ट्री से ये पता चला है पिछले 3 महीने से वो बॉम्ब बनाने वाले वीडियोस देख रहा है। तो मेरा शक सही था, उन प्रेशर कुकर में बॉम्ब दिए। जी सर, और अगर वो कुकर बॉम्ब एक्सप्लोड होते हैं तो राधे के घर के साथ साथ आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचेगा। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, यहाँ यहाँ चलो, चल चल चल, अरे इधर चलो तुम लोग, चल 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 चल। ये क्या रोना धोना लगा के रखे हुए आप लोग? आप लोग का बच्चा है ना जी अंदर, लेकिन आप लोग के दिल में तो मोह माया ममता हमको दिख नहीं रहा है। नहीं है सर, कुछ नहीं है। अरे एक बछड़ा को कुछ होता है ना तो सीधी गैया भी सींग मारती है, और आप लोग का तो बच्चा अंदर है। जाइए तोड़िए दरवाजा, घुसिए अंदर। ऐसे कैसे हम लोग घुस जाए, दरवाजा तोड़ दे, बड़े साहब है ना, हम लोग के बच्चा लोग को जरूर बाहर निकालेंगे। सही कह रही है पगली, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही बात करते रहेंगे। बम फटा, कुछ किए नहीं ना, तुम लोग के बच्चा को मारेगा तो फिर लाश गोद में लेके मातम मनाते रहना। अगर हमारा बच्चा होता ना तो हम तो सारा सीधा घर में घुसते, राजा उसके परिवार को खत्म कर देते। सही कह रहे हैं। चलो रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। अरे गोली मारना है तो उससे मारो, हम लोगों को क्यों मारोगे? हम उससे बात कर रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। पांडे जी। जी सर। आप हमारी मदद करना चाहते थे ना? जी हाँ सर। आप भीड़ को उकसाइए, भीड़ घर के सामने से अटैक करेगी और हम पीछे वाला दरवाजा तोड़ के अंदर घुसेंगे। लेकिन सर सपना भी तो घर के अंदर है, बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। सपना बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सर आप इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? पांडे जी लोगों की इतनी पहचान तो है मुझे। हाँ उस राधे का दिमाग सनक गया तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है सर। अरे तुम्हारे चक्कर में रहेंगे तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। हम उससे बात करें, कोई राधे का पूरा ध्यान आगे की तरफ है, हम पीछे से अटैक करेंगे। इस सब सुधरेंगे नहीं, तो अंदर बंद कर, अब बाहर होगा या बाहर नहीं करेंगे। अरे हट तू। नहीं चल, चलो अंदर।
ये दरवाजा खोलना होगा। अगर उसने कुकर बम फोड़ दिए तो सब तबाह हो जाएगा। सुनीता तुम प्रशांत को बुला के लाओ जल्दी। अरे हम है ना सब संभाल लेंगे। सलाह इसको हम नचाएंगे, इसको हम बताएंगे। चल देख आज तेरा देख बम है हमारे पास बम। सलाह मरेंगे तो सबको साथ लेके मरेंगे। अरे चला समझती नहीं है तू, इसे लोग मारता क्या हमें। अरे मरना है तो बहुत इज्जत से मरेंगे, सबको साथ लेकर। चल चला हम सब कुछ नहीं करेंगे। अरे चला इसको। अरे जल का ही नहीं रहा ये, मैं तेल नहीं है, तूने निकाला तेल। मैं कुछ नहीं किया सच में। अरे उसमें देखना सब तेल ही नहीं है इसमें। अरे ये क्या कर दिए? ये राधे चाचा की बेटी है। भीड़ बहुत गुस्से में है, अगर इसे बाहर देखेंगे तो शायद इसे भी मार देंगे। आप चिंता मत कीजिए साहब, ये हमारी बेटी की तरह रहेगी। हम इसको सबसे छुपा कर ले जाएंगे, इसको कुछ नहीं होने देंगे। एम्बुलेंस में लेके जाओ इसे। अनुज बच्चे सर सब सेफ है। पुलिस वालों ने सपना को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि डॉक्टर्स की पूरी कोशिश के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने गांव वालों के खिलाफ सपना के खून के लिए केस दर्ज किया। सपना का रेप हुआ था या नहीं, राधे सच में निर्दोष था या बस वो अपने आप को निर्दोष समझ रहा था, राधे का सच झूठ सब कुछ उसके साथ मिट गया। बात कोई भी हो उसे कहने का एक तरीका होता है, सवाल कोई भी हो उसे उठाने का एक सलीका होता है। जब भी कोई काम दबाव में या जोर जबरदस्ती के साथ किया जाता है या कोशिश की जाती है तो उसका अंजाम अक्सर बुरा ही होता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.